जॉब ढूंढ रहे हो? आ जाओ। ऑनलाइन जॉब पोर्टल से पक चुके हो? आ जाओ यार। इंटरव्यू वाले पैसे मांग रहे हैं? उन्हें छोड़ो, यहाँ आ जाओ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये है सांसद रोजगार मेला, जहाँ पे हमारे माननीय सांसद जी डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनके नेतृत्व में एक काफ़ी विशाल बड़ा जॉब फेयर होने वाला है। इस महामेले के अंदर लगभग 100 से 150 कंपनीज आने वाली हैं एक ही छत के नीचे, या फिर मैं कहूँ एक ही ग्राउंड के अंदर, जो कि है आपका HRIT कॉलेज में। जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनो। हमारे पास गाज़ियाबाद के अंदर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकें। ये जो एक अवसर आया है ना, बड़ा मुश्किल से आया है और बहुत बड़ा अवसर आया है, सरकार द्वारा आया है। और ऐसा नहीं है कि जिनके पास जॉब नहीं है सिर्फ वही आ सकते हैं, ना 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 ना। अगर आप कहीं वर्किंग हैं और आप चाहते हैं एक जॉब चेंज, एक अपग्रेड होना चाहते हैं अपने प्रोफाइल में, अपनी फील्ड में, तो बहुत अच्छा चांस है गाइज, आ जाइए। आपके लिए भी बहुत सी कंपनीज होंगी। जितनी भी कंपनियां यहां पे आने वाली हैं, उन सभी कंपनियों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो कोई भी फ्रॉड या किसी भी तरह की घपले का कोई आशंका है नहीं, ठीक है। तो आप बेझिझक आइए। आप कहीं भी रहते हैं, आप चाहे दिल्ली NCR से हैं या फिर आप कहीं बाहर से भी हैं, अगर आप किसी और स्टेट से भी हैं और आप जानते हैं कि आप रिलोकेट हो सकते हैं, तो भाई चांस मिस मत कीजिए, आ जाइए। तो अभी हम HRIT कॉलेज के अंदर, और हमारे साथ चेयरमैन सर हैं अनिल अग्रवाल जी, जो कि सांसद हैं BJP से। सर कैसे हैं आप? आई एम फाइन, गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड सर। सर जैसे मैं कॉलेज के लिए छोटा सा एक सर्वे करना चाहता हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी पास आउट हुए हैं 12th, उन्होंने अपना क्लियर किया है, वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी थोड़े से संकोच में हैं, थोड़ा सोचते हैं कि कौन सा कॉलेज हम चूज़ करें जहाँ हमारा आगे फ्यूचर ब्राइट हो और हमें फैसिलिटीज़ अच्छी मिलें। तो मैं कुछ चाहूँगा सर कि आप इस कॉलेज के बारे में छोटा सा थोड़ा सा एक प्रकाश। देखिए, किसी भी स्टूडेंट को जब कॉलेज सेलेक्ट करना होता है, उसमें 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। कॉलेज के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, लैब है कि नहीं। नंबर 2, कॉलेज में किस प्रकार की पढ़ाई होती है, फैकल्टी कैसी। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लेसमेंट। ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं जिसके लिए किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले सोचना चाहिए। HRIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज़ हैविंग वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द NCR एरिया, रादर इन होल UP। वी हैव वेरी गुड लैब्स, स्टेट ऑफ आर्ट लैब्स, एंड वी ट्राई कि समय समय पे जितनी भी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सब अपडेट होता रहे। तीसरा चीज़ है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट में हम लोग हर साल जॉब फेयर करते हैं, बहुत सारे बच्चों को जॉब लगवाते हैं, और सिंस आई एम द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो आई हैव दैट प्रिविलेज कि अगर मैं किसी भी कंपनी से कहता हूँ कि भाई आप कैंपस विजिट करिए, तो दे फील ऑब्लाइज्ड एंड ऑनर्ड दैट आई हैव कॉल्ड देम, एंड सिंस आई एम द चेयरमैन सो आई डेफिनेटली कॉल द कंपनीज। अभी भी हम 29 अगस्त को एक बहुत बड़ा यहाँ मेगा जॉब फेयर करने जा रहे हैं, जिसमें मोर देन 150 कंपनीज आर पार्टिसिपेटिंग, एंड नॉट ओनली अवर कॉलेज, अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। वी होप अराउंड 4-5,000 पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स विल कम, एंड वी आर प्रोवाइडिंग जॉब टू ईच एंड एवरी वन। इस मेगा जॉब फेयर का जो इनॉग्रेशन है, श्रीमान पीयूष गोयल जी, जो राज्यसभा में नेता सदन हैं, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, फूड एंड कंज्यूमर विभाग के मंत्री हैं,
वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे 29 तारीख को 11 बजे। तो ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो शायद और किसी कॉलेज में नहीं है। तो आई अर्ज ऑल द गुड स्टूडेंट्स टू ज्वाइन HRIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और इस सब के साथ हम अच्छे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराते हैं। सर मेन पर्पस, बस स्टूडेंट्स का मेन फोकस यही रहता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें फैसिलिटीज़ अच्छी मिले, और प्लेसमेंट सबसे बड़ी बात जो आपने बताया। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए कुछ सर ऐसा कोई क्राइटेरिया भी है लोकेशन को लेकर या फिर एरिया को लेकर? देखिए लोकेशन, वी आर ऑन द मेन हाईवे एंड नाउ RRTS का स्टेशन जो है इट्स ओनली 100 meters फ्रॉम दिस प्लेस, है ना। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन यू कैन हैव। दिल्ली से भी RRTS के थ्रू अगर आप आएंगे तो इन 20 minutes यू आर विल बी इन HRIT। नेशनल हाईवे पे है तो ऑल द टाइम 24/7 अवेलेबिलिटी है। ISBT आनंद विहार यहाँ से 20 kilometers है, 22 kilometers, एंड यहाँ से इजी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है एट एवरी टाइम, इवन इन नाइट 24/7 आपको व्हीकल अवेलेबल हो। यस, एंड वी हैव द इंडोर स्विमिंग पूल इन द कैंपस विच आई थिंक नोबडी एल्स हैज दैट कैंपस। वी हैव स्पोर्ट्स एकेडमी ऑल्सो एंड गर्ल्स एंड बॉयज सेपरेट हॉस्टल इज देयर। 24/7 पावर जनरेटर एंड ऑल द अदर फैसिलिटी विच आर रिक्वायर्ड फॉर एनी स्टूडेंट, वाईफाई कैंपस है, दैट वी ऑल प्रोवाइड। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया उसके लिए, थैंक यू सो मच सर। तो ये आपने देखा सर के साथ स्टूडेंट ऑल्सो, सो स्पेशल प्रिविलेज टू यू। थैंक यू सो मच सर, आपके आशीर्वाद की वजह से ही मैं यहाँ पे आ पाया। आप देख सकते हैं मैं खुद यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, और सर हर स्टूडेंट को बहुत मतलब दिल के करीब रखते हैं, हर स्टूडेंट के ऊपर पूरा हाथ है सर का। आप ये कॉलेज के अंदर आएंगे तो आप ज़रा भी महसूस नहीं करेंगे कि आपको यहाँ किसी चीज़ की कमी है। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, यहाँ फैकल्टीज़ आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं किसी भी तरह की हो। और नॉट जस्ट कि आप जब तक यहाँ पढ़ रहे हैं, आप यहाँ जो यहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो भी जब यहाँ पे आके कोई हेल्प मांगते हैं तो सर उसके लिए भी हमेशा सबकी हेल्प करते ही हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने अपने कुछ सीनियर्स से मिला जो यहाँ पे आए हुए थे, वो अब से 2 से 3 साल पहले यहाँ से पास आउट हैं, बट वो आज भी यहाँ पर आए तो उनकी हर तरह से हेल्प की गई। तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच सर। जो जॉब फेयर कर रहे हैं उसमें अपने पुराने जो एलुमनाई हैं उनको भी इन्वाइट कर रहे हैं, एक उनको भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, दे कैन जंप फॉर बेटर सैलरीज एंड बेटर एनवायरनमेंट एंड बेटर कंपनीज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने जैसा कि सुना, अभी हमारे साथ थे राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, जो कि चेयरमैन हैं HRIT कॉलेज के। तो इनकी आवाज़ आपने सुनी, इनकी बातें सुनी कि किस तरह से ये बड़ा प्रोग्राम अभी ऑर्गेनाइज होने वाला है, और कॉलेज के बारे में जो जो चीज़ें इन्होंने बताई, जो जो महत्वपूर्ण तत्व इन्होंने आपको गिनवाए, उनको अपने माइंड में एकदम फ्रीज कर लीजिए। और ध्यान रखिए कि यही कुछ एलिमेंट्स हैं, यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पे आपको आगे जाके ना बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं ऐसी ही। तो कॉलेज में आइए, एक बार कॉलेज देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है एडमिशन लीजिए। अब गाइस आना कैसे है कॉलेज, तो मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। अगर आप दिल्ली NCR से हैं और आप आ रहे हैं आनंद विहार ISBT से, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, वहाँ से आप मेरठ जाने वाली किसी भी बस में बैठ जाइए और उनसे बोलिए कि मुझे दुहाई उतरना है HRIT कॉलेज। वो आपको बहुत सिंपली आपके स्टेशन पे, आपके स्टॉप पे उतार देंगे, जिसका किराया होगा लगभग 20 से 30 रुपये मात्र, ठीक है। और अगर आप आते हैं कश्मीरी गेट ISBT से, तो भी आपको सेम इसी तरह का प्रोसीजर फॉलो करने हैं। इन केस आप बस से नहीं आना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं मेट्रो से आ जाऊं, तो उसके लिए भी बहुत सही एक तरीका बताता हूं। आपको कश्मीरी गेट से बैठना है रेड लाइन में, और रेड लाइन जो की जाती है गाजियाबाद की और जो जाती है शहीद स्थल, उस मेट्रो में आपको बैठना है, और आपको उतरना है अर्थला मेट्रो स्टेशन पे। याद रखिएगा अर्थला मेट्रो स्टेशन, वहाँ उतरिए। नीचे उतरते ही आपको ऑटो दिखाई देंगे ग्रामीण सेवा, जो कि नॉर्मल सवारी बिठा के चलते हैं, और उसी में आपको बैठना है, जिसमें आपको उन्हें बताना है कि हमें HRIT कॉलेज जाना है। वो वहाँ से 10 या 15 रुपये आपसे लेंगे बस,
आपको कॉलेज को उतार देंगे, बहुत ईजी है आना। तो आइए, ये मौका बिल्कुल मत गवाइए। बहुत ही ईजी स्टेप्स में आप बड़े आराम से HRIT कॉलेज पहुँच जाएंगे। कॉलेज की टाइमिंग का याद रखिएगा, आप लोग वहाँ 8 या 9 बजे पहुँच जाएँ, क्योंकि आप लोग जितना जल्दी पहुँचेंगे उतने चांसेस होंगे आपका नंबर जल्दी आने का, और उतने चांसेस होंगे कि आप ज़्यादा कंपनीज में अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकें, राइट। तो दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब, राइट। सो यू डोंट वेस्ट योर टाइम एंड जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। मेक श्योर कि आप अभी भी सोए नहीं हैं, अगर सो भी रहे हैं तो जाग जाओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। See you soon!